हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एनटीपीसी का फॉर्म भर चुके हैं या फिर अभी भरेंगे। तो अगर आप एनटीपीसी में जॉब लेना चाहते हैं 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की जो ये वैकेंसी आई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप इसको पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं या फिर आपने एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरा है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए कोई कुछ भी हेल्पफुल नहीं रहेगी। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा सिलेबस कि क्या सिलेबस रहेगा एनटीपीसी का, और उसके बाद में इस पूरे के पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक स्टडी चैनल पे। तो कैसे कैसे आपको वीडियोस मिलेगी, क्या क्या टाइमिंग रहेगा और किस किस तरीके से हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब भी आप किसी जॉब का फॉर्म भरते हैं तो आप उसका सिलेबस नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है सिलेक्शन ना मिलने की, क्योंकि आप अगर सिलेबस को नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ देंगे जो एग्ज़ाम में आनी होगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए, मतलब मेरा जो ये एक स्टेप है आपके लिए हेल्प करने का, अगर आपको ये अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको लगता है कि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सकती है इस पूरे के पूरे कोर्स से जो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, और किस किस तरीके से ये कोर्स अपलोड करूँगा वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ये अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तभी मिल पाते हैं जब आप नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेज वन के लिए आपको टाइमिंग और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में उनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका CBT 1 होगा, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, उसी के ही आप का जो सिलेबस होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसमें आपका जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन रहेगा, जीके का पोर्शन रहेगा, वो 40 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स का जो आपका पोर्शन रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा, और जो रीजनिंग का पोर्शन रहेगा वो भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। अगर देखा जाए तो इसमें जीके का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन ज़्यादा है, तो इसका पूरा एक मैंने चार्ट बना लिया है कैसे मैं इस पूरे के पूरे कोर्स को आपको कंप्लीट करूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये टोटल 100 मार्क्स का बैठ गए हैं, और 100 ही आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि डेढ़ घंटा मिलेगा। ठीक है, 120 मिनट किसको मिलेंगे, PWD कैंडिडेट्स को जो फिजिकली मतलब डिसेबल होते हैं। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए निगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे आपका 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये भी आपको माइंड में रखना है कि निगेटिव मार्किंग होगी, ऑनलाइन आपका ये टेस्ट होने वाला है। CBT स्टेज वन जो आपका होगा ये आपका ऑनलाइन होगा, तो ये भी आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें आएगा क्या क्या। ठीक है, मतलब कौन कौन से आपके टॉपिक आएंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथ के कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं, तो यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये चैप्टर हैं आपके जो कवर कराने हैं। ठीक है, वो कैसे कवर कराऊंगा वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। देखिए, आपको हर एक चैप्टर की 2 से 3 वीडियो मिलेगी। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम है आपको इसकी 1 से 2 वीडियो मिल सकती है, 3 वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो कवर कराऊंगा, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो भी उसी में ही कवर होते रहेंगे। तो आपको हर एक चैप्टर की 2 से 3 क्लास मिलेगी, 2 से 3 क्लास में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, उन तीनों वीडियो को देखेंगे, आप घर पे बैठ के पूरी प्रिपरेशन करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ भी बचने वाला नहीं है, इस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इनकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, बाय चांस आपसे कोई क्लास छूट जाती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो क्लास आपकी छूट गई है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये होगी आपकी मैथ की बात, और डेली बेसिस आपको मिलेगी, वो टाइमिंग मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कब कब मैथ की वीडियो मिलेगी, कब कब आपको रीजनिंग की वीडियो मिलेगी।
फिर रीजनिंग की मैं बात करूँ तो इसमें एनालॉजीज आपका हो गया, ठीक है, कंप्लीटेशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई आपकी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है, सिमिलरिटीज होगी एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप हो गया आपका, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, सिलोगिज्म हो गया, जंबलिंग होगी, वेन डायग्राम हो गया, पजल हो गया, डाटा सफिशिएंसी होगी, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, मैप्स हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स हो गया, ये आपके रीजनिंग के चैप्टर हैं। तो इनको भी मैं इसी तरीके से कवर करने वाला हूँ। रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा चैप्टर हैं तो इसकी आपकी दो दो वीडियो रहेगी, वीडियो बड़ी हो सकती है, मतलब जैसे एनालॉजीज हो गया आपका, इसकी आपको दो वीडियो मिल जाएगी। दो वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मेनली यही होता है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए जाए उनमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बीच बीच में आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, सभी सब्जेक्ट के आपके टेस्ट भी चलते रहेंगे। ये आपका पूरा रीजनिंग का कोर्स कराऊंगा, वैसे ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और हर एक वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा। अगर आपसे कोई भी वीडियो छूट जाती है तो आप जो नेक्स्ट डे की वीडियो आएगी उसमें जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो वीडियो आपसे छूट जाएगी, ठीक है। दोस्तों जीके का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, 10 मार्क्स का मतलब ज़्यादा पोर्शन है, वैसे भी आपका यहाँ पे ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, मतलब जीके का अगर वो भी देखा जाए, आपका टॉपिक्स भी देखा जाए तो बहुत वाइड है जीके, तो इसको मैं कवर करूँगा, मतलब एक भी दिन वीडियो मिस नहीं होगी, संडे को भी आपको वीडियो मिलेगी। बाकी आपकी जो रीजनिंग और मैथ की रहेगी ये आपकी संडे को छुट्टी रख लेंगे, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिलता रहे, अच्छे से चीज़ें तभी करा पाते हैं जब थोड़ा सा रेस्ट मुझे भी मिलता रहेगा, ठीक है। बट जीके आपको संडे को भी चलता रहेगा, इसमें क्या है, करंट इवेंट्स हैं, नेशनल हो इंटरनेशनल हो सारे आपको मिल जाएंगे, गेम्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट आर्ट एंड कल्चर आपका हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया, माउंटेन्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया जो 10th CBSE लेवल की होती है, हिस्ट्री होगी इंडिया की, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, मतलब हिस्ट्री में आपका क्या क्या ये भी दे रखा है, फ्रीडम स्ट्रगल आपको पूरा पढ़ के जाना है, फिजिक्स आपको पढ़ के जानी है, सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आपकी हो गई, ठीक है, इंडिया की और वर्ल्ड की भी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी आपकी हो गई, एंड गवर्नमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे मैं आपको कवर कराऊंगा वन बाई वन, ठीक है, इसमें भी आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। दोस्तों मेरी आप बातों को थोड़ा सीरियसली देख सोचिए और समझिए, अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं जो मैंने सोचा है और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। थोड़ा अपना एफर्ट लगाइएगा, थोड़ा और अपनी ज़्यादा मेहनत करिएगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा आप खुद घर पे पढ़िएगा तो कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, कहीं पे भी आपको कोई भी कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखनी है, ये सारे के सारे टॉपिक आप चाहे देख लीजिए या चाहे ना देखिए, ये मेरे पास है, इनके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मान के चलिए आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं। अब बात आती है टाइमिंग की, मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ कि टाइमिंग क्या क्या रहेगी क्लास की। सुबह 7 बजे मैं आपको रीजनिंग की एक वीडियो डेली दिया करूँगा, ठीक है, उसके बाद आपको वो वीडियो देखनी है, पूरा टाइम है आपके पास, 6-7 घंटे हैं, ठीक है, 7 से 2 बजे आपको मैथ की मिलेगी, दोपहर को 2 बजे आपको मैथ की वीडियो मिलेगी। तो देखिए खूब टाइम है आपके पास, रीजनिंग का और मैथ के बीच में इतना टाइम है कि आप उसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। फिर आपको रात के टाइम 9 से 10 के बीच में, इसका मैंने फिक्स टाइम नहीं रखा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि 9 बजे भी अपलोड हो सकती है, 9:30 भी और 10 बजे भी कई बार वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो जीके की जो क्विज़ मिलेगी आपको उसमें आपको 9 से 10 बजे के बीच में मिलेगी। अब जीके में आपका क्या क्या पोर्शन होगा, करंट अफेयर, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे कवर होंगे। अब इसका क्या रहेगा पैटर्न जीके का, मैं आपको समझा देता हूँ। जीके में आपको मिलेगा, जैसे आज का मान लीजिए करंट अफेयर है, तो इस मंथ की या फिर हफ्ते वाइज भी मैं आपको दे दूंगा, वीकली भी करंट अफेयर आपको मिल सकती है, या फिर आपको मंथली एक वीडियो मिलेगी जिस वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो मंथ का निचोड़ होगा, चाहे वो आधे घंटे की हो चाहे 1 घंटे की वीडियो बने, वो आपको मिल जाया करेगा। जनरल साइंस का जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स का है, फिजिक्स में कोई टॉपिक है आपका, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कहीं 2-3 वीडियो अपलोड करके।
तो ये आपके टॉपिक वाइज चलेगा सब कुछ। हिस्ट्री है आपको टॉपिक वाइज मिलेगी, ज्योग्राफी है टॉपिक वाइज मिलेगी, पॉलिटी है टॉपिक वाइज मिलेगा, सब कुछ टॉपिक वाइज आपका चलता रहेगा। अगर आप जितनी भी वीडियो में अपलोड करूँगा सारी को देख लेते हैं तो आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी है जो मैंने आपको बताई है, और यहाँ पे इसी तरीके से हमने पढ़ाई करेंगे, आप बस सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करके, दोस्तों को शेयर करके।